व्हाट्सअप पीपल, हेयर एम बैक विद अ न्यू वीडियो गाइस। सो आज का टॉपिक बेसिकली मेरा सीट बेल्ट के रिमूवल पे होने जा रहा है। तो कैसे इसका सीट बेल्ट और बी पिलर खोलते हैं, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। प्लस हमारे यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ एक लॉन्ग ड्राइव पे बनाओ वीडियो, तो मेरी एक वीडियो मैंने शॉर्ट ड्राइव पे जरूर बना दी है भाई। देखो वो कल आ जाएगी और पॉसिबली। तो अब सबसे पहले करना क्या है, हमको खोलना क्या है, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा और कैसे कैसे क्या करना है। तो चलो वीडियो को देखो। तो सबसे पहले ये देख रहे हो, ये बी पिलर है हमारा, ठीक है। इसको खोलना कैसे है, सबसे पहले हमें ये वाला बैक डोर और फ्रंट डोर दोनों खोलने हैं। ये मेरा खुला हुआ है देखो, ठीक है, ये हल्का सा खुला हुआ है। और मैं उधर से ये वाला भी खोल लूँगा। अब यहाँ से हमें इसको पुल करना है, यहाँ से ये बंद होगा पूरा, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ के ना पीछे की तरफ खींचना है, ये ऐसे। ये धीरे धीरे मैंने पहले खोल रखा है, तो मैं पहले कर चुका था यार काम, ठीक है। तो अब मैंने कहा पर वीडियो तो बनानी ज़रूरी है, तो वीडियो बनाने के लिए मैंने दोबारा से इसको ऐसे ही फिट करा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसको पुल कर करके ना यार, ठीक है, खोल लेना है, नीचे तक ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना क्या है, अब ये वाला आगे वाला डोर खोलना है। जब ये अंदर की तरफ आ चुका है तो हमें इसको यहाँ से ऐसे पकड़ना है और हल्का हल्का झटका देना उधर तरफ, ये देखो। तो ये सिंपली बाहर आ चुका है बी पिलर हमारा। इसके पीछे मैं आपको चेक करा देता हूँ क्या क्या होता है। एक ये डैम की मोटी सी शीट लगी होती है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ एक स्पंज लगा होता है, ये मैंने खुद प्लेस करा है मेरी वायरिंग की। खोलने का रीज़न क्या है यार, सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये है, मेरी एक वायर है जो सेंट्रल लॉकिंग की यहाँ से जा रही है। देखो यहाँ से जा रही थी ये वाली जगह से, इसके अंदर से, बट मैंने इसको यहाँ से भेजा, फिर भी वो ये टिक 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 साउंड ही नहीं जा रही है यार, पता नहीं क्या। उसके लिए मैंने सीट बेल्ट का वो खोला है और इसके पीछे से वायर निकाल लूँगा। तो इसको कैसे खोलना है, ये भी मेरा नट लूज़ है, आप देख सकते हो ध्यान से, तो मैं वो चेक करा दूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा ये 14 नंबर की एक पाना जो होता है, उसका यूज़ करेंगे। इसको खोलना है, ख़राब नहीं करना, आराम से खोलना, वरना इसके जो कलर है ना यार, ख़राब हो जाएगा चूड़ी का। हमें उसको भी बचा के चलना है, तो ऐसे लगे कि आपकी गाड़ी नई जैसी है। तो खोलते हैं, खोलना कैसे है, हमें अपने अपनी तरफ इसको खींचना है, मतलब कि इसे घुमाना है, दोनों हाथों से खोलना। मेरे पास एक हाथ में फ़ोन है, दूसरे में चाबी है, तो इसको ऐसे ऐसे दोबारा घुमाना है। सिर्फ आपको हल्का सा लूज़ करना होगा, 2-3 बार आपको चाबी घुमानी है, और ये आपका लट काफ़ी लंबा है, घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और घूम 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 के काफ़ी टाइम लगाता है। तो ये निकल गई बेल्ट मेरी बाहर, तो ये नट बाहर नहीं निकलेगा, यहीं रहेगा फिक्स। और आपको दूसरी बात का ध्यान रखना है, प्लीज़ इसे ऊपर मत करना, अगर आपने ऊपर छोड़ दिया ना, आपकी बेल्ट का हो जाएगा काम तमाम, और आपसे होगा नहीं, खुलेगा नहीं ये वापस, ये नीचे नहीं आ पाएगा। मैंने बहुत ट्राई करा था, मेरे से अभी हो गया था, पर मेरे को पता लग गया कैसे करना। अगर आपकी ये बेल्ट ऊपर जा रही है ना, ये देखो, तो आपको करना क्या है, इसको पकड़ना है और इसको हल्का हल्का झटके मार मार के ना यार, इस तरफ से ऐसे पकड़ के झटका मारना है, फिर से छोड़ना है, झटका मारना है, छोड़ना है। तो ये अपने आप अपनी पोजीशन पे आजकल कर करके ऐसे देखो, ये देखो नीचे जाएगा, ये अब ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से पकड़ लेना इसे, पीछे की तरफ ऐसे पकड़ लेना और झटका ऊपर झटका। तो ये अभी तो मेरे हाथ में यार फ़ोन है, तो मेरे को दिक्कत हो रही है, ऊपर ही जाया जा रहा है, तो इसको मैं बाद में कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे खुलना था ये, और मेरी जो ये वायर है ना यार, ये वाली, ये साउंड करती है टिक टिक की अंदर की तरफ से, ये देखो आवाज़ सुनना, आपको खुद समझ आ जाएगा ये क्या दिक्कत है। तो बेसिकली आप साउंड सुनना, तो बेसिकली यही साउंड करती है यार सबसे ज़्यादा, टिक 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 टिक। अब पता नहीं अब ये रीज़न है या कुछ और है, अब मैं इसको करूँगा क्या, ये मेरे को डोर पैनल भी खोलना पड़ेगा यार, इसके चक्कर में बैक डोर खोलूँगा, उसके बाद इसकी वायर जो है मैं यहाँ से निकाल लूँगा, इसके पीछे से, यहाँ से स्पंज है यहाँ पर एक और लगा के, तो मैं इसको कवर अप कर दूँगा पूरी अच्छे से, और मेरी वायरिंग की जो टिक टिक की साउंड है वो शायद बंद हो जाएगी, और देखते हैं अगर हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बस यही था आज की वीडियो में, सो मिलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको मैं बंद करना तो बताना ही भूल गया, वापस आपको कैसे लगाना है, वहीं इसको नीचे खींच खींच के पहुँचा देना है उसकी पोजीशन पे, यहीं से पकड़ना है, हल्का सा झटका देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पहुँचता कैसे है, अभी देख सकते हो कितना लेवल अप पे है, ठीक है, पहुँच नहीं रहा ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
तो गाइस आप देख सकते हैं नीचे पहुंच चुका है अपनी पोजीशन पे। आप चेक करो, सिर्फ मेरे को 10 सेकंड लगे होंगे मुश्किल से नीचे पहुंचाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे अंदर की तरफ फिट हो जाएगा, और यहाँ पर इसके 2 लॉक्स हैं, देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पर ये इसके अंदर ऐसे जाएगा, और ये देखो ये फिट हो गया। यहाँ पर ये थोड़े लॉक्स इसके बाहर आ गए, और यहाँ से ये टाइट हो जाएगा बोल्ट, ठीक है। और वैसे ही आपको बी पिलर फिट करना है। तो बस यही था आज की वीडियो में, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सो बाय बाय, टेक केयर।